हेलो व्यूअर्स, कैसे आप सब। मैं प्रणय गैन के स्पेस पॉप में अगेन आपका वेलकम करता हूँ। सॉरी गाइस, काफ़ी लेट आई है ये वीडियो, मुझे पता है, बट कुछ कारणों के चलते एंड ऑफ सीजन भी था, इस वजह से अब वीडियो मैं अपलोड नहीं कर रहा था। सो आज की वीडियो गाइस हम बना रहे हैं अब हमारी प्रोग्रेस के ऊपर। मैं तैयार नहीं था मेरे सेटअप को लेके, उम्मीद है कि आप तैयार हो गए, बट मेरे यहाँ पे बर्ड्स तैयार हो चुके हैं एंड तैयार क्या है वो काम पे भी लग गए हैं। सो यहाँ पे मैंने सारे बर्ड स्टॉक किए थे, मैं नहीं ब्रीड लेना चाहता था यहाँ पे, बट ऐसा था कि सीजन अभी काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडा शुरू हो गया था एंड जैसे आपको पता ही ये मेरा सेटअप है जहाँ पे मैं ब्रीड लेता हूँ, बट हाँ यहाँ पे मैंने स्टॉक किया था एंड यहाँ पे कुछ हंडियाँ लगाई थी मैंने, और यहाँ पे मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे ब्रीड हो, बट मेरे बर्ड्स स्टार्ट हो गए और उन्होंने ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आपको दिखेगा शो बजीज और नॉर्मल बजीज, स्पैंगल बजीज सारा मिक्स है यहाँ पे। जैसे आपको पता होगा मैंने पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ पे कुछ 25 पेयर्स मैंने ऐसे छोड़े हैं जिनकी एवरेज 3 to 4 चिक्स एंड प्लस है। सो ऐसे कुछ मैंने बर्ड्स यहाँ पे छोड़े थे और जो गारंटीड बर्ड्स हैं मेरे। सो और अभी हम देखेंगे इनकी प्रोग्रेस। ये स्टार्ट हुआ है सीजन, अभी जस्ट बारिश अच्छे से स्टार्ट हुई है, उसमें भी धूप और बारिश दोनों चल रहा है। सो हमारे सिटी में तो अभी अभी जस्ट सीजन स्टार्ट हो गया आप बोल सकते हैं, और हमें प्रोग्रेस भी वैसी दिख रही है बिकॉज बर्ड्स काफ़ी अच्छा रेस्ट करके आए हैं और अच्छी ब्रीड ही मिलेगी हमें, यही उम्मीद है। सो उम्मीद है गाइस आप अपने सेटअप के साथ तैयार हो चुके होंगे और अपने बर्ड्स के साथ तैयार हो चुके होंगे और इस सीजन का पूरा फायदा अच्छी तरह से उठाएंगे। सो हम चलते हैं प्रोग्रेस की तरफ और आपको प्रोग्रेस दिखाते हैं किस तरह से मेरे ये 25 पेयर्स स्टार्ट हो गए। आप इसमें देख सकते हैं ये शो के भी पेयर्स इसमें मिक्स हो गए हैं और यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम जा सकता है शो को, क्योंकि क्या होता है ये क्रॉस ब्रीड भी करा सकते हैं बिकॉज ये काफ़ी सारे मेल्स एक्टिव है, जो सादे मेल्स रहते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये सादा स्पैंगल का मेल है, ओके, लेफ्ट साइड में ये मेरी फीमेल को लग गया है, शो की फीमेल को। सो ये प्रॉब्लम काफ़ी जा सकता है, अभी इनके क्रॉस बच्चे आएंगे जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे आप राइट साइड में, यहाँ पे मेरा शो का मेल बैठा हुआ है, देखेंगे आप ये ब्लू कलर का, सो ये उसका मेल है बट वो अभी शांत बैठा है, तो यहाँ पे दूसरा मेल एक्टिव हो चुका है। सो यहाँ पे जाता है प्रॉब्लम। सो चलिए हम आपको पहले प्रोग्रेस दिखाते हैं, फिर हम आगे की बात करेंगे। सो चलिए गाइस, सो हम पहुंच गए हमारे सेटअप के अंदर और हम चलिए देखते हैं यहाँ पे प्रोग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्स देके ले करना स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे भी लेग्स एग्स ले किए हैं, लगभग सारी मटकियाँ पैक है। यहाँ पे हम देखेंगे एक बच्चा निकला हुआ है, ये प्रॉब्लम जाता है गाइस बिकॉज क्योंकि हम कॉलोनी में ये प्रॉब्लम जाता ही है, फर्टिलिटी सारे एग्स की आती नहीं है और सीजन भी अभी भी जस्ट स्टार्ट हुआ। यहाँ पे हम देखेंगे दो एग्स हुई है, दो बच्चे हुए और 3 एग्स है, सो वो तो इनफर्टाइल लग रहे हैं मुझे। सो दो बच्चे यहाँ निकले हैं। यहाँ पे मेरी एक रेनबो की फीमेल है जिसने एग्स ले अभी किए हुए हैं, अभी देखेंगे इसका क्या प्रोग्रेस आता है हमें, और नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी दिखाएंगे रेनबो कैसा प्रोग्रेस किया है उसमें, उसे तो मैं सेपरेट ही करूँगा एंड आगे देखते हैं कैसा। यहाँ पे भी एक फीमेल है, इसने भी अभी फ्रेश एग्स ले किए हैं और यहाँ पे हंडियाँ काफ़ी पास पास लगी है, ये देखिएगा इस शो का एक पेयर यहाँ पे उन्होंने हंडी पकड़ ली है और ये एक फीमेल है, इसने अभी एग्स ले करना स्टार्ट किया है जस्ट मुझे लगता है। और अभी हम देखेंगे यहाँ पे एक फीमेल, हाँ इसने जस्ट अभी एग्स ले करना स्टार्ट किया है। सो और ये फीमेल मेरी काफ़ी फेवरेट फीमेल है, इसने शायद से अभी बच्चे देना स्टार्ट किया है, इसका तो एवरेज 6 का एवरेज है। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ही बच्चा निकला है। सो सीजन जस्ट स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे धूप का और ठंडी बारिश का काफ़ी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं चल रहा है बिकॉज काफ़ी गर्मी भी होती है एंड बारिश भी अच्छी गिर रही है। सो देखेंगे, जब तक पूरी प्रॉपरली बारिश आती नहीं है तब तक हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। और ये तो फर्स्ट क्लच है, यहाँ मैं पूरे क्लच नहीं लेने वाला हूँ, जैसे कि आपको पता है ये मेरे पेयर्स सारे सिंगल केज सेटअप के पेयर्स है और वो सिंगल केज सेटअप में ही जाएंगे और वहाँ पे मुझे एवरेज ज़बरदस्त मिलता है। सो वहाँ पे अभी हम नेक्स्ट जो इनका क्लच रहेगा हम वहाँ लेंगे कुछ 10-15 दिन के रेस्ट के बाद। तो यहाँ हम हो जाने देते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्लच, क्योंकि अभी भी अच्छे से सीजन, जब तक अब समझ लो अगस्त महीने में हम, अगस्त के एंडिंग के आसपास हम इन्हें सिंगल केज सेपरेशन में डाल देंगे, वहाँ पे आपको किस तरह से एवरेज उनकी अच्छी हमें मिलती है वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि गाइस ऐसा है कि आप 10 पेयर प्रॉपर सिंगल केज सेटअप में रखें तो आपको वो
जो एवरेज देखे जाएंगे वो लगभग 25 पेयर्स का एवरेज होगा, जो 10 पेयर देखे जाएंगे। और उसमें ऐसा भी है जो आपको समझ लीजिए कोई पेयर नहीं चल रहा है, कोई पेयर को अगर प्रॉब्लम होगा तो उसका मेल फीमेल हम चेंज कर सकते हैं, कोई दूसरा मेल लगा सकते हैं एंड वहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं। सो 10 पेयर रखो या 25 पेयर्स कॉलोनी में रखो या 10 पेयर सिंगल केज में रखो, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। वहाँ पे एक काफी फायदा होता है सिंगल केज का। ये तो बस हम एक स्टार्ट है सीजन का। यहाँ पे आप देखेंगे गाइस कलर्स मेरे पास काफी सिलेक्टेड है एंड काफी अच्छे कलर्स मैंने सिलेक्ट मेरे खुद के लिए करके रखे हैं। ये कलर्स गाइस आपको जनरल लॉट्स में आपको नहीं मिलेंगे, और मैंने बिकॉज काफी अवॉइड किया है ग्रीन और येल्लो सिर्फ, क्योंकि ग्रीन और येल्लो ही आता है मैक्स टू मैक्स, आपको जैसे पता ही होगा। मैं ये देखिए गाइस, ये स्पैंगल की जो मेरी शो की फीमेल है, ये अभी ये छोटे स्पैंगल मेल को लग गई है जो कि मुझे अवॉइड करना है। ये फीमेल दूसरे मेरे पास शो का मेल है मेरे पास, ये देखेंगे आप मेरे पास शो के मेल है, बट मुझे उसे ना लगते हुए ये छोटे, बिकॉज क्या है गाइस ये जो छोटे बर्ड्स रहते हैं वो बहुत एक्टिव रहते हैं, शो के मेल उतने एक्टिव रहते नहीं है। उस वजह से ये प्रॉब्लम जाता है। अभी शो बजीज को तो मैं अलग कर दूंगा यहाँ से, और वो आपको दिखाऊंगा मैं कहाँ सेटअप कर रहा हूँ शो बजीज का। लगभग 3 to 5 pairs है मेरे पास गाइस शो के, वो मैं अलग कर दूंगा इसमें से, और उनका सेटअप अब मैं अलग लगाऊंगा एंड वहां पे उनसे प्रॉपरली ब्रीड लूंगा, बिकॉज सीजन अब हो गया अभी स्टार्ट। और यहाँ पे भी गाइज हमारे पास कुछ ये नॉन रिंग वेराइटी है। यहाँ पे भी हम इनसे प्रोग्रेस लेने वाले हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ है सीजन। यहाँ पे देखेंगे हम कुछ टाइम बाद कैसा होता है, और यहाँ पे भी प्रोग्रेस स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी देखने मिलेगा किस तरह से यहाँ पे प्रोग्रेस है, और मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से कॉलोनी में प्रोग्रेस करते हैं। सिंगल केज में तो आपने देखा ही होगा, और यहाँ पे मैं कॉलोनी की आपको प्रोग्रेस दिखाऊंगा। गाइज टिल देन कीप वॉचिंग एंकर्स वेस्पा, और अगली वीडियो में गाइज हम जल्दी ही मिलेंगे, और प्लीज कीप सपोर्टिंग। बहुत अच्छा लग रहा है, अपने 5K सब्सक्राइबर्स पार कर गए हम, और हमारी फैमिली और ग्रो कर रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड इसी तरह से मैं अगला सेटअप को दिखा दूंगा।